हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर आपको हरी धनिया स्टोर करना बताएंगे। अक्सर ऐसा होता है ठंडियों में जो है हम जो धनिया है बहुत अच्छी मिलती है, तो हम बहुत सारी जो धनिया है वो ले आते हैं घर पर और फिर उन्हें रखते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर से वैसी ही हो जाती है। तो आज हम आपको हरी धनिया स्टोर करना बताएंगे। तो उसके लिए आपको इस तरीके का एक एयर टाइट कंटेनर चाहिए, साथ में टिश्यू पेपर चाहिए। तो बस आपको करना क्या है, आप अपनी धनिया को साफ़ कर लीजिए अच्छे तरीके से, जो मैंने कर लिया है। और आपका जो ये कंटेनर है, जो भी आपने एयर टाइट कंटेनर लिया है, मैंने यहाँ पर हॉट पॉट का यूज़ किया है, तो आप वो ले लीजिए। और अपना जो टिश्यू पेपर है इस पर पूरे अच्छे तरीके से इसमें प्लेस्ड कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आप उसमें अच्छे तरीके से फैला दीजिए, ताकि जो धनिया की जो नमी होती है वो उसे अब्सॉर्ब कर ले। और ये जो हमारी धनिया है जिसे मैंने साफ करके रखा हुआ है, इस धनिया को आप इस कंटेनर में डाल दीजिए। आपको बस इसे स्टोर करने के बाद फ्रिज में रखना होगा, फिर आपकी धनिया फ्रेश रहेगी। देखिए सारी धनिया मैंने इसमें रख दी है। अब आपको करना यह है कि एक और आप टिश्यू पेपर लीजिए और उसे अच्छे तरीके से इसमें कवर कर दीजिए। आपकी धनिया पूरी तरीके से कवर हो जानी चाहिए, तो इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से इसे कवर कर दे रही हूँ। और बस अब हमें करना यह है कि ये हमारा अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। अब हमें इसकी कैप लगा देनी है, जो भी आपके पास लिड है, जो भी इसका कवर है वो आप लगा दीजिए। और इसी तरीके से आप अपनी धनिया को हमेशा ही फ्रेश रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। देखिए आपकी धनिया, ये तो आपकी धनिया इसी तरीके से फ्रेश रहेगी। मैं आपको ये थोड़ी दो दिनों के बाद फिर से मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि आपकी धनिया किस तरीके से फ्रेश रहेगी। ये मेरी गारंटी है कि आपकी धनिया जो है वो दो हफ्ते तक तो ऐसे ही रहने वाली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी हम इसे वापस से कवर कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि दो हफ्ते के बाद भी धनिया की कंडीशन किस तरीके से है। तो चलिए अब मैं आपको दो हफ्ते बाद दिखाती हूँ, दो हफ्ते बाद की चीज़ें। ये देखिए दो हफ्ते बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और ये देखिए टिश्यू पेपर थोड़ा सा वेट हो चुका है। और ये जो मेरी धनिया है ये देखिए उसी तरीके से हरी ही है, बिल्कुल भी सूखी नहीं है। तो आप अपनी धनिया को इस तरीके से स्टोर कीजिए और फिर उनका मज़ा लीजिए। थैंक यू।